गाइस आज हम बात करेंगे सीट लिमिट वन एंड रोजा सेल्स वन के बारे में। ये कैसा कब बनाते हैं और इसमें क्या क्या लिखा होता है, कितने रुपीज़ के बनते हैं, ये सारे अपन सारा डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक बने रहिए। गाइस मैं हूँ प्रभात अधिकारी, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट 2021 में। तो देखिए इस तरह का ये सीट लिमिट वन डे और ये आपका रोजा सेल्स वन डे। तो ये कब बनाएंगे इसमें टोटल अपन बताएंगे। सबसे पहले अपन सीट लिमिट वन देखते हैं। तो सीट लिविंग बॉन्ड ये है, अगर आप एडमिशन के बाद अगर सीट्स को छोड़ देते हो तो कुछ अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो उसी का सीट लिविंग बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो जो कॉलेज की जो फीस होती है तो उसकी जो 0.5% का सीट लिविंग कस्टम ड्यूटी देना होता है। तो मेरे कस्ट में 18,570 का सीट लिविंग बॉन्ड बना था। ठीक है, और इस सीट लिविंग बॉन्ड में क्या होता है, क्या लिखा होता है कि इससे आप मैं पढ़ के सुना हूँ कि मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसलिंग के निर्देश हैं, मैं निर्देशित समय सीमा के पश्चात पाठ्यक्रम में पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्याग पत्र दे जाना है या निष्कर्ष किए जाने की स्थिति में संबंधित निजी चिकित्सा जो कॉलेज के नाम है उसमें सीट से त्याग पत्र देने संबंधित संपूर्ण अवधि का शैक्षणिक शुल्क शासन को देय होगा। मतलब अगर हम एडमिशन के बाद किसी भी परिस्थिति में अगर हम सीट छोड़ देते हैं तो जो कॉलेज की टोटल फीस है वो हमको पे करना होगा, ये सीट लिमिट बॉन्ड बनता है। तो ठीक है, ये 18,570 का बना था, वो कॉलेज वाइज वेरी करता है, जिस कॉलेज की जो फीस के ऊपर डिपेंड करता है कितने का बनेगा। ठीक है, ये आप कब बनवाए। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग के दौरान आपको कॉलेज अलर्ट हो जाता है कोई भी कॉलेज, और अगर वहाँ पे आप मतलब कन्फर्म कर लेते एडमिशन, अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं कराना है तो उस टाइम आप बनाएं। अगर आपका सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन कराना है तो आप उस टाइम ना बनाएं। सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन के बाद ही जब आपको दूसरा कॉलेज अलर्ट हो जाएगा, अगर आप एडमिशन कंफर्म कर देते हैं उसके बाद ही आप इसको बनवाएं। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये आपका जो रूरल सर्विस बॉन्ड है तो ये बेसिकली जो स्कॉलरशिप लेते हैं जो लोग तो उनके लिए लगता है, और जो स्कॉलरशिप नहीं लगता उनका भी एक साल का होता है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अगर आप मेधावी ले रहे हैं, मेधावी जनकल्याण एरियाज में ले रहा है, और इनके अगर आप प्राइवेट कॉलेज लिए हैं और उसमें स्कॉलरशिप लिए हैं तो 5 साल का बॉन्ड होता है कि आपको रूरल एरिया में जाके आपको सर्विस देनी होगी, हाँ सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, तो उसमें ये रहता है। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में ये ले रहे हैं मेधावी या जनकल्याण एरियाज ले रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में ले रहे हैं तो आपको 2 साल का आपका बनता है। अगर इन केस अगर आप ये चाहते हैं कि MBBS कम्प्लीट होने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि हम इससे मतलब ये रूरल सर्विस बॉन्ड अगर रूरल एरिया में सर्विस देने नहीं जाएंगे तो आप इसका भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि 5 लाख रुपए के हिसाब से अगर 5 साल का बॉन्ड है आपके पास तो आप 25 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, और 2 साल का अगर है तो 10 लाख रुपए पे करना होता है। और गवर्नमेंट के केस में आपको 2 साल का गैप 2 साल का बनता है और प्राइवेट के केस में आपको 5 साल का बनता है। ठीक है, तो इसमें ये लिखा होता है ये 12,500 रुपये का बना था। ठीक है, ये मेरा तो इसमें मेरा 5 साल का था, तो इसमें आप देख सकते हैं। तो ये भी ये जो आपका जो रोजा सर्विस बॉन्ड है ये भी आपको कॉलेज जब आपका कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ हम इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसके बाद ही आपको ये बनवाना पड़ेगा दोनों। ठीक है, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको बनाना पड़ेगा कन्फर्म होने के बाद। ठीक है, तो ये दोनों आप बना सकते हैं। हाँ, और ये जो मैंने बताया ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से तो OBC और जनरल का एक ही होता है, और अगर आप ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें वेरी करता है, तो इसमें ST SC कैटेगरी में कम पैसे लगते हैं तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो जैसे अगर ST SC कैटेगरी का है कोई और वो मेधावी या मुख्यमंत्री या OBC स्कॉलरशिप ले रहा है तो उनका रोजा सिर्फ बॉन्ड बनेगा 5 लाख रुपये का 0.5% के हिसाब से। ठीक है, ये कस्टम ड्यूटी लगती है तो उसमें लगभग 25 रुपये लगते हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी OBC के हैं तो 25 लाख रुपये के हिसाब से 0.5% कस्टम ड्यूटी तो 12,500 रुपये का बॉन्ड बनता है। तो ये है टोटल, ये दोनों हमने बता दिया, ये रोजा सर्विस बॉन्ड एंड ये आपका रोजा सर्विस बॉन्ड एंड ये सीट लिविंग बॉन्ड, ये दोनों के बारे में बता दिया हमने। तो और भी अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।